इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय सात। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय सात। इस्साकार, बिन्यामिन, नप्ताली, मनश्शे, एप्रेम और आशेर की वंशावलियां। इस्साकार के पुत्र तोला, पुआ, याशुब और शिमरोन चार थे, और तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, यरियल, यहमय, इबसाम और शमूएल, ये अपने अपने पितरों के घरानों अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। और उज्जी का पुत्र इज्रह्याह और इज्रह्याह के पुत्र मिकाएल, ओबद्याह, योएल और इश्याह पांच थे, ये सब मुख्य पुरुष थे, और उनके साथ उनकी वंशावलियों और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के दलों के 36,000 योद्धा थे, क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। और उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलों में से थे, वे 27,000 बड़े वीर थे, जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। बिन्यामिन के पुत्र बेला, बेकेर और यदियेल ये तीन थे। बेला के पुत्र एसबोन, उज्जी, उजियेल, यरीमोत और ईरी ये पांच थे। ये अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,034 थी। और बेकेर के पुत्र जमीरा, योवाश, एलीजेर, एल्लोएने, ओमरी, यरेमोत, अबियाह, अनातोत और आलेमेत, ये सब बेकेर के पुत्र थे, ये जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। इनके वंश की गिनती अपनी अपनी वंशावली के अनुसार 20,200 थी। और यदियेल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यशु, बिन्यामिन, एहूद, कनाना, जेतान, तर्शीश और अहीशहर थे, ये सब जो यदियेल की संतान और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य 17,200 पुरुष थे। और ईर के पुत्र शुप्पिम और हुप्पिम और अहेर के पुत्र हुशी थे। नप्ताली के पुत्र एहसियल, गुनी, एसेर और शल्लूम थे, ये बिल्हा के पोते थे। मनुष्य के पुत्र असरियल, जो उसकी अरामी रखेली स्त्री से उत्पन्न हुआ था, और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकिर को भी जन्म दिया, और माकिर, जिसकी बहन का नाम माका था, उसने हुप्पिम और शुप्पिम के लिए स्त्रियां ब्याह ली, और दूसरे का नाम सलोफात था और सलोफात के बेटियां हुई। फिर माकिर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम पेरेश रखा, और उसके भाई का नाम शेरेश था, और इसके पुत्र उलाम और राकेम थे, और उलाम का पुत्र बदान, ये गिलाद की संतान थे, जो माकिर का पुत्र और मनश्शे का पोता था। फिर उसकी बहन हम्मोलेकेत ने इशहोद, अबीएजर और महला को जन्म दिया, और शमीदा के पुत्र अहियान, शेकेम, लिखी और अनियाम थे। और एप्रेम के पुत्र शुतेलह और शुतेलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एलादा, एलादा का तहत, तहत का जाबाद और जाबाद का पुत्र शुतेलह हुआ। और एजेर और एलादी भी, जिन्हें गत के मनुष्यों ने जो उस देश में उत्पन्न हुए थे इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे, सो उनका पिता एप्रेम उनके लिए बहुत दिन तक शोक करता रहा, और उसके भाई उसे शांति देने को आए, और वह अपनी पत्नी के पास गया, और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया, और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी थी।
और उसकी पुत्री शेरा थी, जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरान नाम नगरों को और उज्जैन शेरा को दृढ़ कराया, और उसका पुत्र रेपा था और रेपेश भी, और उसका पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लादान, लादान का अम्मीहूद, अम्मीहूद का एलिशामा, एलिशामा का नून, और नून का पुत्र यहोशू था, और उसकी निज भूमि और बस्तियां गांव समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गांव में समेत गेजेर, फिर गांव समेत शकेम और गांव समेत अज्जा थी, और मनश्शेइयों के सिवानों के पास अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, मगिद्दो और दोर, इनमें इसराइल के पुत्र यूसुफ के संतान के लोग रहते थे। आशेर के पुत्र इम्ना, इश्वा, इश्वी, बरिया और उनकी बहिन सेरह हुई, और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकियेल, और यह बिरजोत का पिता हुआ, और हेबेर ने यपलेत, शोमेर, होताम और उनकी बहिन शुआ को जन्म दिया, और यपलेत के पुत्र पासक, बिल्हाल और आश्वत, यपलेल के यही पुत्र थे, और शेमेर के पुत्र अही, रोहगा, यहुब्बा और आराम थे, और उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपह, इम्ना, शेलेश और आमाल थे, और सोपान के पुत्र सुह, हरनेपेर, शुआल, वेरी, इम्रा, बेसेर, होद, शम्मा, शिलसा, इत्रान और बेरा थे, और इतेर के पुत्र यपुन्ने, पिस्पा और अरा, और उल्ला के पुत्र आरह, हनीएल और रिस्या। ये सब आशेर के वंश में हुए और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े बड़े वीर थे और प्रधानों में मुख्य थे, और ये जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गए, उनकी गिनती 26,000 थी।